नमस्कार दोस्तों, एक्स हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हकीम खान। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि मैं बताऊंगा कब्ज के बारे में। अगर आपको कब्ज रहता है तो आपको ये नुस्खा फिर आप ही के लिए है। और क्योंकि कब्ज एक बहुत ही छोटी बीमारी लगती है हमें देखने में, लेकिन रियलिटी में वो बहुत बड़ी बीमारी होती है। क्योंकि कब्ज से पेट खराब रहता है हमारा। अगर पेट खराब रहेगा आपका, तो फिर आपको खाया पिया भी नहीं लगेगा और आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि स्वपन दोष, पेट खराब होने की वजह से ही ज़्यादातर टाइम होता है। तो क्या है ये नुस्खा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो तुरंत मिल सके। और हाँ, वो घंटी का आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप घंटी का आइकन दबाओगे तो मेरी वीडियो आपको फिर तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ, देर न लगाते हुए, कि क्या है ये चूर्ण। तो दोस्तों, इसका नाम है कब्जीना चूर्ण। देख भी पा रहे होगे आप, कब्जीना चूर्ण। ये एक आयुर्वेदिक चूर्ण है और बहुत ही आसानी से किसी भी हमदर्द वालों की दुकान पर या फिर आयुर्वेदिक की दुकान पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको आपको लेना कैसे है, ये किस किस चीज में काम आता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कब्ज में काम आता है, एसिडिटी में काम आता है, सिर दर्द, त्वचा रोग, उदर शूल में ये गुणकारी है। तो कब्ज में मेनली ये काम आता है। और इसकी आपको कितनी डोज लेनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर कितनी डोज आपको इसकी लेनी है, आपको इसको लेना है इतना, सोने से पहले शाम के टाइम अगर आपको कब्ज है तो आप इसको इतना चूर्ण ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया, इतना चूर्ण आपको लेना है, वो भी गर्म पानी से। आपको गर्म पानी, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा मतलब गुनगुना पानी से आपको लेना है। और इसको आप लेंगे तो आपको मॉर्निंग में बिल्कुल फ्रेश, आपके जो है पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपकी पूरी दिनचर्या अच्छी स्टार्ट होगी। क्योंकि अगर आपका पेट ही साफ नहीं होता मॉर्निंग में, तो आपका दिन बहुत खराब होता है और आपको अच्छा फील नहीं होता है, आपको भूख भी नहीं लगेगी। ये आपकी भूख भी बढ़ाएगा और आपका पेट भी साफ करेगा। तो दोस्तों, इस चून का आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा चून माना जाता है ये कब्ज के केस में। अगर आपको कब्ज है तो फिर ये चून आप जरूर ले लीजिए। और जब भी आपको महसूस हो कि कब्ज की समस्या हो रही है, तो आप इसको शाम के टाइम ले सकते हैं और खाना खाने के बाद लेना होगा आपको इसको। तो आशा करता हूँ कि आपको जो समझ में आ गया होगा कब्जीना चूर्ण का विधि और आप इसको प्रयोग कैसे करेंगे। तो चलिए, मिलता हूँ फिर अगली किसी वीडियो में। लेकिन हाँ, आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे से आप कनेक्ट रहे, तो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिए, वो जो है वहाँ पर सब्सक्राइब बटन के ऊपर दिया होगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपने फेसबुक पेज को लिंक जरूर दे दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग जो ज़रूरतमंद है वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली वीडियो में किसी मिलता हूँ। बाय बाय, तब तक के लिए।